राजी होना एक अभूतपूर्व कदम है। 17 करों और 13 उपकरों को मिलाकर एक कर बना है। अनेक दरें 4 रह गई हैं। लगभग सभी वस्तुओं में दर कटौती देखी गई है। 10 विवरणियों की जगह एक ने ले ली है। करदाताओं का कर विभागों के साथ आमना सामना कम हो गया है। सीमा जांच समाप्त हो गई है। वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्माण लाया और ले जाया जा रहा है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत हुई है। जितने समय में एक ट्रक एक ट्रिप पर जाता था, उतने ही समय में दो ट्रिप करने लगा है। इस तरह से एक राष्ट्र एक कर एक बाजार का सपना पूरा हो गया है। जीएसटी परिषद को सारा का सारा श्रेय जाता है। महोदय, शुरुआती चरण में जीएसटी को कतिपय कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुधार के स्तर को देखते हुए यह स्वाभाविक था। फिर भी परिषद, केंद्र और राज्यों ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। जीएसटी की दरें भी उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं, जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ की राहत दी गई है। जीएसटी के प्रदर्शन पर किसी निर्णय पर पहुंचते समय हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। इसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। हम जीएसटी प्रक्रियाओं को और भी सरल बना रहे हैं। एक सरलीकृत एकल मासिक विवरणी लाई जा रही है। जिस करदाता का वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम है, वह तिमाही विवरणी फाइल करेगा। छोटे कारोबारों के लिए विवरणी तैयार करने हेतु लेखाकरण सॉफ्टवेयर मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। पूरी तरह स्वचालित जीएसटी रिफंड मॉड्यूल का क्रियान्वयन किया जाएगा। करदाता के लिए अनेक कर लेजरों के स्थान पर एक कर लेजर होगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम लाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें जारी करते समय केंद्रीय सिस्टम में इनवॉइस के ब्यौरे का संग्रहण किया जाएगा। बाद में इसका उपयोग पहले से भरी हुई करदाता विवरणियों के लिए किया जाएगा। अलग से ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 से हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम अनुपालना संबंधी भार को काफी हद तक कम करेगा। सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्ताव हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने, मेक इन इंडिया के जरिए उच्च स्तर घरेलू मूल्य वर्धन हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को संरक्षण देने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं का आयात कम करने तथा परिवर्तन सुधारने के उद्देश्य से प्रेरित है। रक्षा का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने की तत्काल आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस प्रयोजन के लिए भारत में विनिर्मित न होने वाले रक्षा उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है। मेक इन इंडिया अति महत्वपूर्ण लक्ष्य है। घरेलू उद्योग सम स्तरीय क्षेत्र मुहैया कराने के लिए काजू, गिरी, पीवीसी, विनाइल फ्लोरिंग, टाइल, फर्नीचर के लिए मेटल फिटिंग माउंटिंग, ऑटो पार्ट्स, कतिपय प्रकार के सिंथेटिक रबर, मार्बल स्लैब्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीसीटी कैमरा, आईपी कैमरा, डिजिटल और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर आदि जैसी मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है। अब भारत में भी निर्मित किए जाने वाले कतिपय इलेक्ट्रॉनिक मदों पर सीमा शुल्क छूट को भी वापस लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पाम, स्टेरिन, वसायुक्त तेलों पर अंतिम प्रयोग आधारित छूट और विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूटें भी समाप्त की जा रही हैं। घरेलू प्रकाशन और मुद्रण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आयातित पुस्तकों पर 5% बुनियादी सीमा शुल्क लगाया जा रहा है। घरेलू विनिर्माण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कतिपय कच्ची सामग्रियों और पूंजी वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें सीआरजीओ शीट्स की कतिपय निर्वृष्टि, अमोर्फस रेबन, एथिलीन डाई क्लोराइड, प्रोपलीन
ऑक्साइड, कोबाल्ट मैट, नाफ्था, ऊन के धागे, कृत्रिम किडनी के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और डिस्पोजेबल स्टरलाइज्ड डायलाइजर एवं नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन शामिल है। ई मोबिलिटी को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के कतिपय कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। विशिष्टीकृत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी वस्तुओं पर भी सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। चमड़ा क्षेत्र को राहत देने के लिए कच्चे और अर्ध तैयार चमड़े पर निर्यात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों में थोड़ी नरमी आई है, इससे पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और उपकर की समीक्षा करने की गुंजाइश बनती है। मैं पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में प्रति लीटर एक रुपया की दर से बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करती हूँ। सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क बढ़ाकर 10% से 12.5% करने का प्रस्ताव करते हैं। तंबाकू उत्पादों और कच्चा तंबाकू पर राष्ट्रीय आपदा एवं 10-12.5% टोबैको प्रोडक्ट एंड क्रूड पर राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता शुल्क लगाया जाता है। कतिपय मामलों में इसे इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि इन मदों पर कोई बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सांकेतिक बुनियादी उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। मैं सीमा शुल्क अधिनियम में कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव करती हूँ। हालिया रुझान दर्शाते हैं कि कुछ फर्जी निकाय अनुचित रियायतें और निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं। जब हमने ऐसे घृणित क्रियाकलापों के विरुद्ध अपने गहन प्रयास किए हैं, ऐसे अपराधों के लिए दंड और अभियोजन